दोस्तों आज हम जानेंगे लापता लेडीज फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इस फिल्म को कितने स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है और फिल्म के इंडिया नेट, इंडिया ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। लापता लेडीज एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म में नीतीश गोयल, प्रतिभा रानाटा, स्पर्श श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन नजर आएंगे। इस फिल्म को किरण राव ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को इंडिया में 800 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है और ओवरसीज पे 400 स्क्रीन्स पर। और बात करें वर्ल्ड वाइड की तो इस फिल्म को टोटल 1200 स्क्रीन्स पे रिलीज किया गया है। और बात करें ऑडियंस के रिव्यूज और रिस्पांस की तो फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फिल्म लापता लेडीज के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट 10 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म ने अपने पहले दिन पर 1.2 करोड़ की कमाई की है। बात करें फिल्म के दूसरे दिन की तो फिल्म ने अपने दूसरे दिन पर 1.40 करोड़ की कमाई की है, जिससे इस फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 2.42 करोड़ हो चुका है और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 2.83 करोड़ है। और बात करें ओवरसीज कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने 2 दिनों में 97 लाख का कलेक्शन किया है, जिससे इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3.80 करोड़ हो चुका है। बात करें फिल्म के तीसरे दिन की तो पिछले 2 दिनों में इस फिल्म को जैसा रिस्पांस मिला है उसे देखकर लग रहा है आज ये फिल्म करीब 2.5 से 3 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। और इस फिल्म को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख लिया तो कमेंट में जरूर बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।